जय हिंद सभी को। हमारे बीच है दीपक सोलंकी और इसको मिलवाने का मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों की पुलिस कांस्टेबल की भर्ती ओपन हो गई है, आप लोग सब तैयारी कर रहे हैं और दीपक भी आप ही की तरह इधर ही बेंच में बैठकर इधर बेंच में बैठकर तैयारी करता था तो ये अभी आया मिलने के लिए, ट्रेनिंग छुट्टी मिली है सो ट्रेनिंग पे से, तो सोचा आपको थोड़ा मोटिवेट ये कर दे क्योंकि आप लोग यही तैयारी कर रहे हैं रिटर्न की और फिजिकल की भी। ये बंदा ऐसा है जो यही अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी की और यहीं से फिजिकल तैयार किया, कितने समय में फिजिकल तैयार किया और कितने समय में रिटर्न एग्जाम की तैयारी की इसका तो कोई सीमा होती नहीं, पर समय लगता है उसको तैयारी करने में, लेकिन फिजिकल के विषय में विशेष रूप से बताएगा आपको ये। विजय आप समय कम है, जल्दी जल्दी बताएं। मैं सोचता हूँ कि फिजिकल तुम एग्जाम देने के बाद ही करो क्योंकि उसके पहले कोई एग्जाम देने के पहले मैंने भी आज तक ना फिजिकल किया और ना ही करता, कभी दौड़ता ही नहीं था। ये विकास भैया बड़ी मुश्किल से पैर खींच के हाथ खींच के लाते थे, कभी चल दौड़ लो दौड़ लो, तो इनका वो सपोर्ट था मेरे को कि चलो दौड़ने चलो। तो फिर मैं सर से मिला तो फिर सर ने बताया कि अभी तक दौड़े के दौड़े, कभी मैं नहीं दौड़ा अभी तक, गोला तो बड़ी मुश्किल से पार ही होता था, 15 फीट जाता था लड़के बराबर गोला जाता था मेरा। तो सर के टेक्निक बताई सर ने कि गोला ऐसे पकड़ो फिर उसके हिसाब से दम लगाओ उसके हिसाब से फेंको, तो फिर गोला भी जाने लगा 22-23 फीट मैंने गोला फेंक दिया। रनिंग तो मेरी फर्स्ट बार में क्वालिफाई हो गई थी, मेरा फर्स्ट टाइमिंग आया था 2:45 रहता है 2:40 आया था और लास्ट टाइमिंग था मेरा 2:27, हाँ 2:27 लास्ट टाइमिंग था मेरा, जब मैंने 25 जून 2021 में लास्ट टाइम मैंने 2:27 लगाया था। जब तो अपन बात कर रहे हैं कि जैसे 800 मीटर रनिंग का आप लोग देख रहे हैं कि उसके अंदर 40 नंबर की 800 मीटर की रनिंग है आपकी, गोला फेंक भी है और लॉन्ग जंप भी, सभी के अंक मिलेंगे। तो अभी गोवेरी जिससे बातचीत चल रही थी कि आपके जो रनिंग कितने में लगाई थी, हमने अंक तालिका में जोड़ा तो 2:27 के हिसाब से रनिंग और लॉन्ग जंप इसकी 15 फीट थी, गोला फेंक लगभग 23 था जरा, इन तीनों को मिला कि हमने अंक जोड़ा तो 69-70 के आसपास इसके अंक हो रहे हैं, मतलब 70 नंबर का फिजिकल इसका 2-2.5 महीने में हुआ था। आपको लग रहा है इसका शरीर को देख के 2-2.5 महीने में उसमें दौड़ता ही था, मैं आराम करता ज्यादा मक्कर ज्यादा करता था दौड़ने में, तो इसको बहुत परेशान किया मैंने। ये इसका एक अब देखिए इस वीडियो में लोअर पहन के दौड़ता रहता था ये, फिर भी 2-2.5 महीने में अच्छी ट्रेनिंग की और 2:27 में रनिंग निकाल ली। तो रनिंग निकालना इसके लिए टफ टास्क नहीं था क्योंकि आप देख रहे हो शरीर इसके ऊपर वाले ने दौड़ने के हिसाब से बनाया दुबला पतला, ठीक है। इसके लिए टफ टास्क था शॉर्ट पुट गोला फेंक, तो गोला फेंक में अभी 19 फीट गोला आपका मिनिमम मांगते हैं, उस टाइम मांगा करते थे, अब 19 फीट से अधिक फेंकेंगे तो आपको अधिक अंक मिलेंगे। और 23 फीट गोला इन्होंने फेंका और लॉन्ग जंप आपकी 13 फीट उस टाइम इन लोगों की मांगा करते थे, तो लॉन्ग जंप भी इसकी लगभग 15 फीट के आसपास थी। टोटल स्कोर जोड़े अपन तो 70 के आसपास इसका स्कोर पहुँच रहा है, तो बहुत टफ नहीं है। यदि आप लोग चाहेंगे सही समय पर ट्रेनिंग करना, यदि आप लोगों को लगता है कि हमने एग्ज़ाम दी और एग्ज़ाम देने के बाद हमारे ऑन स्क्रीन नंबर अच्छे हैं क्वालिफाई के आसपास है, उसी दिन से ग्राउंड चालू कर दें सुबह से आना, तो आप लोग बहुत आसानी से फिजिकल को क्लियर कर जाएंगे। होता क्या ज़्यादातर बच्चे हैं ना रिटर्न एग्ज़ाम देने के बाद में रिजल्ट का वेट करते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है उस वक्त हम लोग हो जाते हैं लेट, आपके सामने एग्ज़ाम फिजिकल डेट भी आ जाती है, तो फिजिकल आपको करना है। जैसे अभी घर पर आप बैठे हैं अभी भी आपको फिजिकल की थोड़ी थोड़ी तैयारी करना चाहिए। कुछ मैं एक्सरसाइज आपको बताऊंगा अभी, एक दो दिन में वीडियो बनाऊंगा मैं उसके लिए कि आप अपने रूम में बैठे बैठे कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है कि आपको लगता है 1-2 घंटे से बैठे बैठे अपन लोग थक गए पढ़ते पढ़ते, तो कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आपको गोला फेंकने में आपकी मांसपेशियां कैसे तैयार हो जाए, थोड़ा मसल्स घुटने उठने रेडी हो जाए ताकि लॉन्ग जंप आते से करें तो आपको घुटने में दर्द ना हो, सीन की इंजुरी ना हो, बस अच्छे से ट्रेनिंग आपको टेक्निकल में वर्कआउट बताने वाला हूँ ऑनलाइन आपको यूट्यूब के ऊपर। तो दीपक तुम बताओ कि तुमने कितने महीने ट्रेनिंग करी लगभग? समथिंग मैंने 2-2.5 महीने ट्रेनिंग करी बस, उससे ज़्यादा कभी दौड़ा ही नहीं। 2-2.5 महीने में भी मक्का तो करने की आदत थी मेरी, उसमें सर दौड़ते थे कि आज टाइमिंग देता तो उस दिन छुट्टी आना ही नहीं, फिर जब लॉन्ग रनिंग होती है 10 मिनट की या 15 मिनट की, उस दिन एंकल दर्द बहाना बना लेते थे, एंकल दर्द हो रहा है सर पैर बढ़ा गए हैं, मतलब दौड़ना वोड़ना मतलब बहुत कम दौड़ा मैं। 2-2.5 महीने में करीबन 1 महीने अच्छी तैयारी कर लो निकल जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। फिजिकल तो मतलब सर के पास हो तुम तो फिजिकल तो तुम आराम से निकाल लोगे, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। फिजिकल के लिए तुम पहले इतनी मेहनत मत करो कि अभी से रनिंग स्टार्ट करो फिर थक जाओ फिर सो जाओ, पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं रही है फिर, तो मतलब नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम
इम्पोर्टेंट है। देखो दीपक ने बताया कि अभी बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी वो चल रहा है कि अरे फिजिकल के नंबर मिलेंगे तो हमें फिजिकल अभी से करना चाहिए, अरे फिजिकल के तक पहुंचोगे कब, तब रिटर्न एग्जाम पास होने के बाद में रिटर्न एग्जाम ही क्लियर नहीं कर पाओगे, 2-3 घंटे ग्राउंड में दौड़ लगाओगे, 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर थक जाओगे, सो जाओगे, रिटर्न एग्जाम नहीं निकलेगी। पहले रिटर्न एग्जाम को फोकस करना है, समय हमारे पास कम है और 2-2.5 महीने में यदि आप सही लोगों के पास चले गए, सही कोच के अंदर चले गए तो आपको वो निकला देगा। यदि आप किसी देसी रगड़ा कोच के पास चले गए ना जो आपको बहुत दौड़ाएगा, बहुत कूदाएगा, बहुत भगाएगा, तो आपके घुटने अलग खराब कर देगा, क्योंकि आपके अंदर प्रतिस्पर्धा होगी। पहले हम लोग इनको कराते थे, दीपक लॉन्ग जंप पे आता था, विकास भी आता था, लॉन्ग जंप करते थे ये, एक ही बार में 13-14 फीट पूछ जाते, हम बोलते जाओ स्ट्रेचिंग करो बस तुम्हारा वर्कआउट फिनिश आज का, फिर गोला फेंकते थे, एक ही बार में गोला चले जाता इनका, जाओ स्ट्रेचिंग करो। अब तो क्या है, प्रतिस्पर्धा होगी, नहीं सर अभी फेंकूंगा, मेरे को 25 फीट करना है, मेरे को लॉन्ग जंप 16 फीट करना है, तो एक बच्चा कई कई बार जंप करने की कोशिश करेगा। पहले तो एक ही बार में फिनिश क्लियर हो रहा है तो क्यों जबरदस्ती मेहनत कर रहे हो। यदि आपको गोला क्वालिफाई हो जाता 19 फीट लॉन्ग जंप क्वालिफाई हो जाती तो हमारे यहाँ पर जितने बच्चे थे, यदि हमारे पास 250 बच्चे थे, उनमें से 200 बच्चे ऐसे थे एक एक बार में गोला क्लियर कर लेते थे, उनका वर्कआउट फिनिश, लॉन्ग जंप एक एक बार में क्लियर, कई बार तो उनको लॉन्ग जंप पे आने नहीं देता, चलो जाओ तुम्हारी हो जाती, क्यों जबरदस्ती मेहनत कर रहा हूँ। सबके में एक बार ही करते हैं लॉन्ग जंप, लेकिन अब क्या होगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ज़्यादा नहीं करना है आपको, सही करना है। अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा करने के लिए कैपेसिटी चाहिए, मांसपेशियों की मैच्योरिटी चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, और आप लोगों के पास में वो है नहीं, बैठ बैठ के घुटने हो गए आपके नरम खराब, तो आप लोगों को धीरे धीरे ही करना है, और उसके लिए छोड़ दो हमारे ऊपर, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं सब लोग रिटर्न एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आओ, मेरी गारंटी फिजिकल में किसी को भी कम नंबर नहीं लाने दूंगा, फेल तो कोई होगा नहीं लेकिन नंबर अच्छे आएंगे आपके, हमारे पास में वो अच्छी टीम है हमारी, फिजिकल तो सर पास करवा ही देंगे। और बताइए आप क्या बताना चाहते हैं? बस यही है कि तुम पहले पढ़ने पर ध्यान दो, मतलब जितना हो सके परीक्षा कवर कर लो, फिर फिजिकल के लिए भी डिफेंस एकेडमी सर की क्लास। देखो विकास, ये दीपक आपके सामने है ना, क्योंकि एक एग्जाम पास करके नहीं आया, इसके साथ इनने SSC GD एग्जाम भी पास की थी, उसके अंदर भी फिजिकल पास करके फाइनली सिलेक्शन हो गया था, और अब जो है इसने सोचा कि मैं कहाँ सेंट्रल की नौकरी करूँगा तो वहाँ की ज्वाइन नहीं करके इसने MP पुलिस की नौकरी ज्वाइन की है, और ये आपको दिख रहा है, मेरे बराबर दिख रहा है कि मेरे से छोटा दिख रहा है, इसके पापा मेरे क्लासमेट थे, इसके पापा मेरे साथ क्लास में पढ़ते थे, तो ये मतलब इसके पापा, इसने बताया कि नाम मेरे पिताजी का ये है, उन्होंने बोला कि तेरे दोस्त सर जो है मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे महाराजवाड़ा में, तो मैंने कहा हाँ पहचानता हूँ, तो मैं दिखता छोटा हूँ, ठीक है छोटा से दिखता तो ठीक है, बस ये कि चलिए ताली बजाए जोरदार दीपक के लिए। ओके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।